हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अनुमी। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, इंजीनियरिंग क्या होता है, किस किस फील्ड में जो है इंजीनियरिंग किया जा सकता है, साथ ही साथ इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से, ठीक है, और उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की कि ये है क्या, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है साइंस और मैथ का इस्तेमाल करके जो है वर्क किया जाता है। सिंपल सी भाषा में कि साइंस के फॉर्मूले हो गए, मैथ के फॉर्मूले हो गए, इसका प्रयोग करके जो है जो भी वर्क किया जाता है वो इंजीनियरिंग के फील्ड में आता है। ठीक है, इंजीनियरिंग को आप कह सकते हैं कि ये जो है साइंस बैकग्राउंड का है, यानी कि ये टेक्निकल में जो है स्पेशली आता है। ठीक है, यानी कि ये टेक्निकल डिग्री एक है। उसके बाद इसके कितने प्रकार होते हैं, तो प्रकार इसमें बहुत सारे होते हैं, जिसे कि ब्रांच के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो है किस ब्रांच से आपको इंजीनियरिंग करना है, इसमें कई सारी ब्रांच होते हैं। तो उसमें जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करके जो है आप उस फील्ड में इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इंजीनियरिंग क्या है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे और भी चीजें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, इंजीनियरिंग के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके बाद जो है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। इस प्रकार से बहुत सारे जो है इंजीनियरिंग कोर्स जो है होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारी ब्रांच होती है। ठीक है, और अलग अलग ब्रांच की अलग अलग वर्क होती है। तो जिस ब्रांच को, जिस ट्रेड को आप सेलेक्ट करेंगे, जिसमें कि आप इंजीनियरिंग का कोर्स करेंगे, उसमें जो है आपको अलग से, यानी कि उस फील्ड से रिलेटेड जो है आपको उसमें स्किल्स सिखाई जाती है। ठीक है, एक और चीज, इंजीनियरिंग जो है काफी बेस्ट जो है कोर्स माना जाता है, जो कि अगर आप जो है आगे किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो अगर आप ग्रेजुएशन के तौर पर इंजीनियरिंग करते हैं तो आपके पास एक बैकअप हो जाता है। मान लीजिए कि अगर आपको आगे जो है गवर्नमेंट जॉब करना है, बाय चांस गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई, तो आपके पास एक बैकअप होता है, जिसके बिहा पर जो है आप किसी भी टॉप लेवल की कंपनी में जो है जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग के बारे में हमने आपको बताया कि ये सारे इसमें ट्रेड होते हैं। यहाँ पर जो बेस्ट ट्रेड है उसके बारे में यहाँ पर हमने लिखा है, इसके अलावा भी जो है बहुत सारे इसमें ट्रेड होते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके अगर हम बात करें कि किस ट्रेड में जो है क्या वर्क होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, इसमें जो है क्या होता है, क्या चीजें आपको बताई जाती है, तो देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, पुल का डिजाइन करना, सड़कें बनाना, पुलिया बनाना, ये सारे जो वर्क होते हैं ये जो है एक सिविल इंजीनियरिंग का होता है। यानी कि जो है इसका डिजाइन करना, किस तरीके से डिजाइन करना है, साथ ही साथ उसमें कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करना है, कितना करना है, ये सारी चीजें जो है सिविल इंजीनियरिंग में आता है। एक चीज और देख लीजिए कि जैसे अभी हमने कहा कि इंजीनियरिंग क्या है, तो साइंस और मैथ का प्रयोग करके भी इसमें वर्क होता है। तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे, बहुत सारे नहीं समझ रहे होंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए जो है कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करना है, कितना करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें बिल्डिंग तैयार करना है हमें, ठीक है, तो बिल्डिंग तैयार करने के लिए जो है इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा। साथ ही साथ अब ऐसा नहीं है कि कितना भी हमारा जितना मन करे उतना सीमेंट डाल दिए, उतना बालू डाल दिए, ठीक है, इसमें भी मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट के लिए आपको मैथमेटिक जो है आना चाहिए, यानी कि मैथ के फॉर्मूलों का इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो साइंस और मैथ का इसमें कॉम्बिनेशन हो गया, तो उस प्रकार से जो है आप क्या करेंगे, बिल्डिंग तैयार कर पाएंगे। तो इसका मतलब यही हुआ। तो सिविल इंजीनियरिंग अगर आप कोर्स जो है सेलेक्ट करते हैं, सिविल से जो है अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, तो इसमें आपको बिल्डिंग के डिजाइन करना, पुल की डिजाइन करना, सड़क बनाना है उसका, सारी चीजें जो है आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, जिससे इसमें जो है इलेक्ट्रिशियन भी आ जाता है, यानी कि ये दोनों ही ट्रेड जो है आपके मिलते जुलते होते हैं। अब ऐसा नहीं कि दोनों एक ही होता है, इलेक्ट्रिकल के नाम से भी आता है और इलेक्ट्रिशियन के नाम से भी जो है ब्रांच आती है, जिसमें कि इसमें भी जो है इलेक्ट्रिकल पहले आता है और इलेक्ट्रिशियन बाद में। कहने का मतलब ये है कि अगर वैकेंसी आती है तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ज्यादा और इलेक्ट्रिशियन वालों को जो है उससे थोड़ा सा नीचे रखा जाता है। हालांकि इन दोनों में जो है जो वर्क होता है वो जो है मिलता जुलता सेम होता है। इसका वर्क जो होता है इलेक्ट्रिक वर्क होता है, यानी कि इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड इसमें जो है वर्क किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, इस प्रकार से जितने भी जो है लाइट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो वर्क होता है वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो अगर अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिशियन में जो है जाना चाहते हैं,
तो आप जो है आपके लिए बेस्ट कोर्स होगा इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, देखिए आप इसमें से कौन सा कोर्स सेलेक्ट करेंगे, कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, तो ये जो है एक प्रकार की स्किल्स डेवलपमेंट का कोर्स होता है। जैसे आपके अंदर जो है इसमें कोई भी स्किल डेवलप किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इलेक्ट्रिशियन को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो आपके अंदर स्किल्स है वो जो है डेवलप की जाती है, यानी कि आपको इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जो है सारी जानकारी दी जाती है, सिखाई जाती है। क्लियर। अगर आप जो है सिविल को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें हमने आपको बताया कि इसमें जो है क्या क्या चीजें बताई जाती है। इसी तरीके से अलग अलग ब्रांच में जो है अलग अलग वर्क जो है आपको सिखाया जाता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें मैकेनिकल की, मैकेनिकल में क्या होता है तो ये जो है मोटर से रिलेटेड होता है, यानी कि गाड़ियों के मोटर का डिजाइन करना, मोटर बनाना। ठीक है, तो ये सब जो है आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है। ये भी टॉप लेवल का जो है एक ब्रांच होता है। तो अगर ये भी सेलेक्ट करते हैं तो काफी अच्छा है। गवर्नमेंट में भी जो है इसकी वैकेंसी आती है और प्राइवेट में भी जो है ये डिमांड में है। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है तो ये जो है केमिकल प्रोसेसिंग इसमें वर्क होता है, यानी कि केमिकल से रिलेटेड इसमें आपको सारी चीजें बताई जाती है। जैसे कि साइंस में जो है आपका फिजिक्स भी आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, और साथ ही साथ इसके जो फॉर्मूले होते हैं इसको मैथमेटिक के साथ जो है मिला करके वर्क करना ही जो है आपका केमिकल इंजीनियरिंग में आता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी आपको चीज तैयार करना है तो उसमें कौन सा केमिकल मिलाना है, कितनी मात्रा में मिलाना है, ये सारी चीजें जो है किसमें आएगा, केमिकल में। ठीक है, तो अगर आप जो है केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद अगला आता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है तो देखिए ये जो है आपका हेल्थ केयर से, हेल्थ सेंटर से जो है रिलेटेड होता है, यानी कि इसमें जो है ये मेडिकल से रिलेटेड होता है, जिसमें मेडिकल में प्रयोग होने वाली जितनी भी मशीन होती हैं, जिसका जो है जितनी भी बीमारी होती है उसको टेस्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट होता है, जो मशीनें होती हैं, वो इसमें जो है आपको तैयार करने के लिए बताया जाता है। जैसे कि जो हो गया आपका ECG मशीन हो गया, ठीक है, एक्सरे मशीन हो गया, अल्ट्रासोनो फोटोग्राफी मशीन हो गया, सिटी स्कैन करने वाली मशीन हो गई, बीपी नापने वाली मशीन हो गई, शुगर नापने वाली मशीन हो गई। इस प्रकार से जितने भी जो है मेडिकल फील्ड में आपके बहुत सारे जो है मशीनें होती हैं जिसका इस्तेमाल करके हम जो है बीमारियों का पता लगाते हैं, तो वो सारी चीजें जो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपको बताई जाती है कि किस तरीके से डिजाइन करना है, किस तरीके से बनाना है सारी चीजें। ठीक है, और इसको आप कह सकते हैं कि बॉडी स्कैनर जो मशीन होता है वो आपका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपको बताया जाता है। बॉडी स्कैनर मशीन यानी कि वही चीजें कि आपके बॉडी के अंदर जो है क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें जो है मशीनों के माध्यम से ही पता चलता है चेकअप करके, तो ये आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आता है। तो अगर आप कोई ऐसा करना चाहते हैं कोर्स जो कि मेडिकल का फील्ड का रिलेटेड हो तो आप जो है बायोमेडिकल जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है तो आसमान में प्रयोग होने वाले जितने भी वस्तुएं होती हैं इन सबको बनाने का काम जो है आपको इसमें बताया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका रॉकेट हो गया, मिसाइल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, सैटेलाइट हो गया, इस प्रकार से जितने भी होते हैं इन सभी को अंतरिक्ष में किस तरीके से भेजना है और कैसे बनाना है, ये सारी चीजें जो है आपका इस ब्रांच में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी काफी डिमांडेबल है, काफी अच्छा है। तो और यहाँ पर जितने भी जो है अच्छे ट्रेड माने जाते हैं, जो जितने डिमांड में है, उसके बारे में हम आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जाननी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल, ये भी बेस्ट ब्रांच है। ठीक है, इसमें भी आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी गाड़ी के इंजन को बनाना, ठीक है, उसका डिजाइन करना, रिसर्च करना, ये सारी चीजें जो है ऑटोमोबाइल में आपको बताई जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला आता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर में भी जो है इंजीनियरिंग होता है, जैसे अगर आप कृषि में इंटरेस्टेड हैं तो जो है आप एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी कृषि में उपकरण इस्तेमाल होते हैं, जितने भी मशीन होती हैं, ठीक है, उन सबको डिजाइन करना, निर्माण करना, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर में आता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर साइंस, ये भी काफी अच्छा है। अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो है ये आपका ब्रांच होता है कंप्यूटर साइंस यानी कि CS। इसमें क्या होता है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत ही अनिवार्य होता है, यानी कि इसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ही जोर दी जाती है। इसमें आपको कोडिंग वगैरह सिखाई जाती है, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका जावा आ गया, पाइथन आ गया, सी आ गया, सी प्लस प्लस आ गया, ठीक है, HTML आ गया। इस प्रकार से जो भी आपकी
जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये चीजें आपको इसमें बताई जाती है। और ये सीखने के बाद जो है आपकी कोई भी जो है वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं जिससे आप बहुत ही अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने सारे ब्रांच के बारे में आपको उम्मीद है कि हमने आपको बता दिया। इसके अलावा भी अब ऐसा नहीं कि केवल यही ब्रांच जो है होता है और इसी से जो है आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांच होती है जिससे कि आप जो है इंजीनियरिंग कर सकते हैं। फिलहाल जो बेस्ट है इस समय, जिसकी डिमांड जाते हैं और इन फ्यूचर भी डिमांड में होने वाली है, उसके बारे में यहाँ पर हमने आपको थोड़ा थोड़ा जो है इंट्रोडक्शन दिया। अगर इसमें से आप किसी के भी बारे में अगर पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस पे वीडियो बनाए, तो आप जो है हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही नई जानकारी के लिए अन्नू मेश चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो जाए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।